थर्ड हेडिंग है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन हैं, इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो आपको नंबर्स दिए होते हैं उनमें से सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इन नंबर्स की डिजिट्स काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डिजिट्स का नंबर है, ये भी 7 डिजिट्स का, ये भी 7 डिजिट्स का, एंड ये भी 7 डिजिट्स का। तो इससे हमें पता नहीं लग रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे छोटा है। अब हम क्या करेंगे, हम लैक्स पीरियड के नंबर को देखेंगे। हर नंबर्स में जो लैक्स पीरियड में नंबर है उसे देखेंगे। यहाँ पे लैक्स पीरियड में 21, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे भी 21, एंड यहाँ पे भी 21। तो इससे भी नहीं पता चल रहा कौन सा नंबर सबसे छोटा है। अब हम देखेंगे थाउजेंड्स पीरियड के नंबर को। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 51 है, एंड यहाँ पे 15 है, दो जगह 15 है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है वो हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें वंस पीरियड के नंबर को देखना होगा। वंस पीरियड में यहाँ पे 5 है और यहाँ पर हमारा है 500, तो सबसे छोटा नंबर हुआ हमारा ये। तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर। सेकंड, इससे बड़ा हुआ हमारा ये वाला नंबर, तो हम इसे लिखेंगे सेकंड नंबर पर। अब हमें थर्ड नंबर लिखना है जो कि इस नंबर से बड़ा हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स बचे हुए हैं, तो इसमें भी थाउजेंड पीरियड्स हमने देखा था तो दोनों में सेम नंबर थे 51 51। तो हम इसका भी वंस पीरियड के नंबर को देखेंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 500, तो इससे बड़ा नंबर हमारा 21,51,005 है, जो थर्ड नंबर पे आएगा। और लास्ट में हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है फोर्थ नंबर पे, जो इसे लिखेंगे हम 21,51,500। इसी तरीके से आपको ये जो यहाँ पे मैंने नंबर्स अरेंज किए हैं ऐसे ही नंबर अरेंज करने हैं। और जो मैंने आपको लैक्स पीरियड के नंबर देखना, थाउजेंड पीरियड्स के नंबर देखना, इस तरीके से इन्हें देखकर कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, इसी तरीके का यूज़ करना है। फोर्थ हेडिंग है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको जो नंबर्स दिए होंगे उनमें से सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 डिजिट्स का नंबर है, ये भी 8 डिजिट्स का है, ये भी 8 डिजिट्स का नंबर है, और ये भी 8 डिजिट्स का है। आप इन नंबर्स में कोमा को देखिए, कोमा जो लगा हुआ है इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो हम इन नंबर्स का मिलियन पीरियड्स के नंबर को देखेंगे। मिलियन पीरियड्स में जो नंबर है ये 43 है, ये भी 43 है, थर्ड नंबर में भी 43 है, एंड नेक्स्ट जो नंबर है उसमें भी 43 है। अब हम देखेंगे थाउजेंड पीरियड्स के नंबर को। यहाँ पे थाउजेंड पीरियड्स के नंबर में 6 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 600 है, और यहाँ पर 600 है। तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो हमारा इन दोनों, जहाँ पर ये 600 है, इन दोनों नंबर्स में से कोई एक होगा। तो अब हम इसका वंस पीरियड के नंबर को देखेंगे। वंस पीरियड में यहाँ पे 789 है और यहाँ पर 879 है, तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 879। सेकेंड, जो हमारा ये 43,600,789 है, ये आएगा हमारा सेकेंड नंबर पे। अब आता है हमारा कि इस नंबर से छोटा नंबर कौन सा है। तो इस नंबर से छोटा नंबर हमारा ये वाला है जहाँ पर थाउजेंड पीरियड्स में 60 है, तो हम थर्ड नंबर पे इस नंबर को लिखेंगे। फोर्थ एंड लास्ट नंबर है हमारा ये नंबर जहाँ पर थाउजेंड पीरियड में 6 है, पूरा नंबर है 43,006,789। इस तरीके से ये नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। इस एक्सरसाइज के हेडिंग नंबर 1 से हेडिंग नंबर 4 तक आपको मैथ्स के रजिस्टर में करना है। हेडिंग्स को आपको ब्लैक पेन से लिखना है
और सॉल्यूशन जो है वो ब्लू पेन से करना है। थैंक यू।